सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जब आपका अंतिम समय आता है तो आप अपनी उपलब्धियों के बारे में नहीं सोचती बल्कि अपने रिश्तों के बारे में सोच रहे होते हैं। जिंदगी उसे अनुसार जिए। वैसे तो दुपट्टे की कीमत 100-150 रुपए ही होती है, लेकिन इसको सर पर ओढ़ने से इज्जत करोड़ों की हो जाती है। जो समय चल रहा है वही मायने रखता है। अतीत के बारे में सोचकर और भविष्य की चिंता में इसे बर्बाद मत करो। आज का पंचांग 2 नवंबर 2022 दिन बुधवार, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि, रात्रि 9:09 तक रहेगी। इसके उपरांत 10वीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी। धनिष्ठा नामक नक्षत्र रात्रि 1:53 तक 3 नवंबर तक रहेगी। इसके उपरांत शतभिषा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:10 से 1:35 तक रहेगा और आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा मकर राशि पर दोपहर 2:16 तक रहेगी। इसके उपरांत कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगे। वृश्चिक राशि 2 नवंबर 2022 दिन बुधवार, आज के दिन की खासियत आपकी किसी प्रभावी व्यक्ति से मुलाकात रहेगी जिसका प्रभाव आपके जीवन पर काफी लंबे समय तक रहेगा। आप किसी ऐसी स्थिति या व्यक्ति के संपर्क में आ सकते हैं जहां आपको विपरीत दृष्टिकोणों का सामना करना पड़ सकता है। आपको रचनात्मक आलोचना को सही तरीके से लेना होगा और बदतमीज हुए बिना ही अपनी बात को समझाने की कोशिश करनी होगी। समय उत्तम है, अपने मनपसंद कार्यों को अहमियत दें, इससे आपको मानसिक सुकून मिलेगा। घर में रखरखाव संबंधित कार्यों में भी आपकी मदद रहेगी। किसी प्रियजन के साथ मिल बैठकर अपने दुख सुख साझा करेंगे तथा कई समस्याओं का समाधान भी मिलेगा। समय का ठीक से इस्तेमाल करें, जीवन में बदलाव करना आपके लिए आवश्यक होगा। बिगड़ी हुई जीवन शैली के कारण अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं कर पा रहे हैं। इसका असर आपकी मानसिक स्थिति पर हो सकता है। अपनी संगत को सुधारने की कोशिश करें। करियर से संबंधित प्राप्त हुआ मौका हाथ से छूटने की संभावना बन रही है। सतर्कता रखें। रिलेशनशिप से संबंधित निराशा दूर करना आपके लिए आवश्यक होगा। माइग्रेन की तकलीफ के कारण दिन भर बेचैनी हो सकती है। सावधानियां। अपने ऊपर के काम का ज्यादा बोझ ना लें। अनुभव की कमी के कारण कुछ काम अटक भी सकते हैं। कुछ नजदीकी लोग आपकी भावनाओं का नजायज फायदा उठाएंगे। किसी भी वाद विवाद जैसी स्थिति में शांत बने रहना ही उचित है। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी आपसे सामंजस्य से घर में बेहतर व्यवस्था बनाकर रखें, लेकिन बच्चों की पढ़ाई अथवा विवाह को लेकर चिंता रह सकती है। आप पिछले कुछ दिनों से अपने दोस्तों की उपेक्षा कर रहे हैं और अभी का यह समय अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाने के लिए बहुत अच्छा है। साथ जाकर कोई मूवी देखें या सब दोस्तों के साथ कोई नाइट आउट की योजना बनाएं और आप पाएंगे कि वह तनाव अपने आप गायब हो गया है जिसे आप महसूस नहीं कर पा रहे थे। पहले जो कोई आपका नज़दीकी था वही वह पहले जो कोई भी आपका नज़दीकी था वह भी आपसे संपर्क कर सकता है। बात करते हैं करियर की। आप अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं और सामाजिक कार्यों में भी भाग लेते रहे हैं। अच्छा, आपके इन गुणों की बहुत सराहना की जाएगी और उनके लिए पुरस्कार भी दिया जाएगा। आपको अपने आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के लिए अद्भुत सलाह भी मिल सकती है और आप वो सब पा सकती हैं जो आपने अपने बलबूते पर पाना इतना आसान नहीं था कारोबारी मामलों में सही समय पर सही निर्णय लेने की जरूरत है। इस समय विस्तार संबंधित उचित संभावनाएं बन रही है।
इसीलिए पूरे मन योग से अपने कार्यों के लिए प्रयासरत रहें। ज्यादा सोच विचार करने से उपलब्धियां हाथ से निकल भी सकती है। बात करते हैं सेहत की। आज आप अपने जीवन शैली में सचमुच कुछ स्वास्थ्यकर बदलाव लाने के लिए प्रेरित होंगे। आप धूम्रपान छोड़ने और स्वास्थ्यकर एक्सरसाइज शुरू करने का फैसला ले सकते हैं। हालांकि आपके सामने असली चुनौती इस नए रूटीन को बनाए रखने की होगी। अपनी इस रूटीन को बनाए रखने के लिए आपको किसी अच्छे पार्टनर की तलाश करनी चाहिए। आज का उपाय, आज आप गरीबों को हरी मूंग का दान करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।